मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संगीता रोशन। और मेरी आज की रेसिपी मैं डेडिकेट करना चाहूंगी किड्स प्रेसो को, तो उनके फेसबुक पेज पे जाएं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, लाइक करें और उनकी वेबसाइट को भी एक बार विजिट जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे मीडियम फ्लेम पे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 छोटा बोल सूजी और इसे अच्छे से भुनना है। कम से कम इसे 4 से 5 मिनट तक भुनना है इसी तरीके से, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, ये थोड़ा सा लाइटिश ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे भुनते रहना है। ये देखिए इस तरीके से, और अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारा सूजी है वो भुन चुका है। और अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध और इसे अच्छे से मिला लेंगे, ये देखिए। और मैंने थोड़े से गरम दूध में केसर डाल के अलग रखा हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर, ये देखिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क मेड यानी कि कंडेंस्ड मिल्क, जो कि मैंने 4 चम्मच लिया है लगभग, ये देखिए 4 चम्मच के आसपास मैंने इसमें डाला है मिल्क मेड। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसे अच्छे से सुखा लेना है, जिस तरीके से ये बैटर पूरा सूख जाए तब तक इसे थोड़ा सा पकाना है 5 से 6 मिनट और। ये देखिए गाढ़ा होने लगेगा और ये जो सूजी का जो भी मिक्सचर है ये थोड़ी देर में गाढ़ा होने लगेगा, ये देखिए इस तरीके से। तो 5 से 6 मिनट इसे और चलाएंगे इस तरीके से। और जो कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से जितना भी आप मीठा खाते हो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। अब ये ऑलमोस्ट सूख चुका है, अब इसे हम निकाल के अलग कर लेंगे, एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे और स्टफिंग बनाएंगे हम मोदक के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई मीडियम फ्लेम पे और उसके अंदर हम डालेंगे चॉप्ड बादाम, 5 से 6 बादाम लिए हैं मैंने। फिर डालेंगे इसमें पिस्ता 10 से 12, इनको भी अच्छे से चॉप कर लिया है और इन्हें हल्का सा भुन लेंगे। ये प्रोसेस ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट भुनने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 काजू जिनको कि मैंने पतला पतला चॉप कर लिया है, ये देखिए इन्हें अच्छे से भुन लेंगे। 2 से 3 मिनट तक ही इन्हें हल्का सा भुनना है। और अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और पिसी हुई चीनी डालेंगे 2 चम्मच। पिसी हुई चीनी डालने के बाद जो हमने सूजी का मिक्सचर बना के रखा था उसे हम थोड़ा सा डाल देंगे 1 से 2 चम्मच, ताकि जो स्टफिंग है उसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, ये देखिए। और इसे बस ये भुन चुका है, अब इसे अलग निकाल लेंगे और अब हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये सूजी का मिक्सचर है और ये स्टफिंग है, अब हमने एक प्लेट ले ली और ये मोदक बनाने के मोल्ड्स हैं, इन्हें मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नीचे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए अब इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे, सबसे पहले सूजी वाला जो मिक्सचर है उसे लेंगे और इसके अंदर स्टफ़ करेंगे इस तरीके से, ये देखिए अच्छे से भरना है ताकि शेप अच्छे से आए इसमें। और हमने इसमें केसर भी डाला है तो बहुत ही अच्छा इसका जो लुक आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए अब स्पून लेंगे और स्पून का जो पीछे का हिस्सा होता है ये देखिए इस तरीके से इसमें गड्ढा करेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का होल करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे स्टफिंग जो हमने ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग बना के रखी थी, ये देखिए। और ये जो मोदक होते हैं बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इनका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट आता है, बहुत ही डिफरेंट स्वाद आता है इनका। तो ये देखिए इनको भर लिया है इसमें हमने, इस तरीके से स्टफिंग भर लेंगे और ऊपर से फिर से हम इसमें सूजी जो है ये ऐसे इस तरीके से लगा देंगे और देखिए अच्छे से दबा देंगे ऊपर से। अब हम ये जो मोल्ड है इसको ओपन करेंगे, ये देखिए पहले अच्छे से भर लेना है इसे, और जब हम ये मोल्ड ओपन करेंगे तो इसकी शेप बहुत ही अच्छी आ चुकी है, ये देखिए। और ये हमारा मोदक बन चुका है और इसमें देखिए केसर भी नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से एक और बना लेंगे, एक और मोदक बना लेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सूजी का स्टफिंग और उसे मोल्ड के अंदर फिल करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और फिर से बीच में होल करके देन इसके अंदर हम डालेंगे स्टफिंग
जो हमने ड्राई फ्रूट्स की बना के रखी थी, और ऊपर से फिर से इसे फिल कर देंगे। और इन मोदकों को आप एक हफ्ते तक फ्रिज में रख कर भी खा सकते हैं। बस आपको ये जब मोदक बनाएं तो आपको इतना ये ध्यान रखना है कि जो सूजी है वो अच्छे से भुननी है, ताकि सूजी भुनने की वजह से ही जो फ्लेवर है वो बहुत ही एनहेंस हो जाएगा। तो ये देखिए, अब दूसरा मोदक भी हमारा बन चुका है, तो इसी तरीके से सारे मोदक बना लेंगे। होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो जरूर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। ये देखिए, सबसे पहले जाएंगे मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करेंगे। देन जो आपको साइड में एक बेल बटन नजर आ रहा है, उस पर भी क्लिक कर देंगे, सो दैट आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस इजीली मिलते रहेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।